अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया था, कोई वीडियो नहीं बनाई थी। काफ़ी टाइम तो नहीं बल्कि कुछ दिन हो गए थे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था और अब इतनी आदत हो गई है आप सब से मुलाकात करने की, आप सब से बात करने की। तो मैंने सोचा चले आज वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैसेजेस भी आ रहे थे कि कॉस्मेटिक्स पे रिव्यूज़ दें, डिफरेंट कॉस्मेटिक्स पे और जो आप यूज़ करती हैं। तो मैंने सोचा चलें आज ये ऑर्डर भी किया था, ऑनलाइन एक पेज है उनसे ऑर्डर किया था, तो मैंने सोचा चलें इस हवाले से आपको रिव्यू देती हूँ। ये मैंने फेसबुक पेज से मैंने मंगवाए हैं और ये 35 शेड्स हैं और नेल पेंट्स हैं, क्योंकि पार्लर में जिस तरह से आजकल हमारा सीज़न है, शादियों का सीज़न है, काम ज़्यादा है मेकअप का, तो उस हवाले से नेल पेंट भी मस्ट होती है, चाहे वो ब्राइडल हो या पार्टी मेकअप हो। तो मैंने सोचा चले इसको ये मंगवा लेते हैं और देखते हैं कैसे हैं। थोड़ा सा डर तो था कि 35 शेड्स हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। थोड़ा सा मुझे इस बात का डर था कि ये ना हो कि ये बीच में से कुछ शेड्स जो हैं वो ड्राई हो, क्योंकि 35 हैं तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ तो ड्राई होंगे ही होंगे, जैसे कि आजकल जिस तरह से फ्रॉड चल रहा है और फेक पेजेस हैं। लेकिन जब ये मुझे मिले और मैंने इनको चेक किया, एक एक करके मैंने पूरा चेक किया है कि ये ठीक भी हैं या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये पील ऑफ है, आप इसको इजीली आप इसको रिमूव कर सकते हैं फंक्शन के बाद, आप इसको लगाएं बेखौफ होके, बेडर होके आप इसको यूज़ करें। और इसके बाद आपको ये नहीं होगा कि आपने इसको नेल पेंट नेल रिमूवर आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको करना, उसको इसके लिए एक अलग से टाइम चाहिए होता है। मैं तो खैर ऐसी ही हूँ, मैं बहुत सुस्त हूँ इस मामले में और मैं नेल पेंट पर ज़्यादा मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि नमाज नहीं होती है और फिर वो रिमूव करना वो ज़रा मुश्किल सा काम हो जाता है। तो ये आप इसको इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि आप इसको लगाएं और फंक्शन के बाद 5-6 घंटे के बाद जितना भी आपका फंक्शन है उसके बाद आप इसको आराम से पील ऑफ कर दें, उसको आराम से आप उसको रिमूव कर दें। तो ये एक इसकी मुझे एक सबसे पॉजिटिव बात लगी है। दूसरी इसकी अच्छी बात यह है कि ये सारे बिल्कुल ठीक हैं, इसमें आपको कोई भी आपको शेड जो है वो ड्राई नहीं मिलेगा, सारे बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, अमेजिंग शेड्स हैं। और इसमें कुछ मैट हैं शेड्स और कुछ थोड़े से शिमरी टाइप हैं, डिफरेंट हैं, मतलब अब जैसे ये ग्रीन शेड है तो इसमें थोड़ा सा ना ये ग्लिटर ऐड है जो जिसको आप ब्राइडल के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसके बहुत अच्छा एक अमेजिंग लुक आती है इसकी, थोड़े से जिसके जो गोल्ड सा इसमें टच है। और मैं वही शेड्स यूज़ कर रही हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जो मेरे फेवरेट हैं। वैसे मैं नेल पेंट ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन इसकी सबसे एक पॉजिटिव बात मुझे ये लगी है कि ये पील ऑफ है और इसको ईज़िली रिमूव किया जा सकता है। तो आप भी इसको बाय करें, ज़रूर आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। मुझे रिव्यू फिर दीजिएगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है एक किसी नए टॉपिक पे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।